हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एराइल हैलाइड्स में हेलोजन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, और उसमें मैंने आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात की थी जो था एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। उसमें हमने एराइल हैलाइड में हेलोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, प्रतिस्थापित किया था। आज मैं दूसरे मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगी। इस मैकेनिज्म का नाम है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म का दूसरा नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म कब फॉलो किया जाता है? जब एराइल हैलाइड की रिएक्शन बहुत ही प्रबल क्षारों जैसे कि सोडामाइड या पोटेशियम एमाइड या अमोनिया से करवाई जाती है। इसका मतलब कि हम एरोमेटिक वलय में हैलोजन को NH2 समूह द्वारा रिप्लेस करने जा रहे हैं। इस मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जिस एराइल हैलाइड पर अभिक्रिया करवा रहे हैं उसमें ऑर्थो हाइड्रोजन एटम उपस्थित होना जरूरी है। ये एक टू स्टेप मैकेनिज्म है। टू स्टेप्स में इसके फोर स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें से टू स्टेप्स जो हैं वो एलिमिनेशन के हैं और बाकी के टू स्टेप्स जो हैं वो एडिशन के हैं। देखते हैं कि कैसे, एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको बताती हूँ। तो रिएक्शन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन पोटेशियम एमाइड से लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में -33 डिग्री सेल्सियस पर करवाने पर एनिलीन बनती है। तो ये अभिक्रिया जिस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है वो है बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। हिंदी में इसको हम कहेंगे विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। मैंने बोला कि पहले की दो स्टेप्स में एलिमिनेशन होता है यानी कि विलोपन होता है, तो देखते हैं कैसे। और एक और चीज़ मैंने बोली कि एराइल हैलाइड के अंदर जो है वो ऑर्थो हाइड्रोजन उपस्थित होना ज़रूरी है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि हमने ब्रोमोबेंजीन वाली रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया जब सोडामाइड से पोटेशियम एमाइड या सोडियम एमाइड से करवाते हैं तो जो NH2 आयन है जो वास्तव में हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग नाभिक नहीं है, वो जब ब्रोमोबेंजीन से अभिक्रिया करता है तो इसके ऑर्थो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। ऑर्थो हाइड्रोजन होता है ब्रोमीन के इस तरफ वाले कार्बन का हाइड्रोजन या फिर ब्रोमीन के इस तरफ वाले हाइड्रोजन का कार्बन का हाइड्रोजन। तो या तो इधर से H निकलेगा या इधर से निकलेगा, दोनों ही केस में एक ही कार्बन आयन बनेगा जो मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये H यहाँ गया और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ माइनस चार्ज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। H जो है वो H+ के रूप में निकल जाएगा और अमोनिया बना देगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बन आयन है इसमें से ब्रोमाइड आयन भी निकल जाता है, ये देखिए इस तरह से, और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाएगा। दोनों स्टेप मिलाकर, कुल मिलाकर H निकला और Br निकला, तो कुल मिलाकर हमारे HBr निकला है और बेंजाइन इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बना है। तो ये तो हुई फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप से मेरा अभिप्राय है एलिमिनेशन वाली स्टेप, जिनकी दो सब स्टेप्स हैं ये वाली। इसी अभिक्रिया का जो अगला पद है वो है कि बेंजाइन पर, जो बेंजाइन मध्यवर्ती बना है उस पर हमारा NH2 आयन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होता है। ये अटैक इस कार्बन पर भी हो सकता है और इस कार्बन पर भी हो सकता है, क्योंकि बेंजाइन इंटरमीडिएट एक सिमेट्रिक या सममित मध्यवर्ती है, तो इसमें दोनों कार्बन बराबर बराबर हैं इसलिए किसी पर भी अटैक हो सकता है। तो मैंने यहाँ दो प्रकार के कार्बन आयन बना दिए हैं जो इस अभिक्रिया में बनते हैं। वैसे तो इनमें कोई अंतर है नहीं,
सेम ही है, तो ये कार्बेनायन बनता है। लास्ट स्टेप जो है इसकी, लास्ट स्टेप के अंदर जो आपका प्रथम पद में अमोनिया बना था, वो अमोनिया अभी अभिक्रिया मिश्रण में ही है, वो अपना एक एच आयन देकर इसको एनिलीन में बदल देता है, इस कार्बन आयन को एनिलीन में बदल देता है। तो मैंने बारी बारी से ये जो ऊपर दो प्रकार के कार्बन आयन बने थे, बारी बारी से मैंने दोनों पर एच को जोड़ के आपको प्रोडक्ट बता दिया है। प्रोडक्ट का नाम दोनों में एनिलीन ही है, जब तक कि बेंजीन वाले पर कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, तब तक तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पर पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो फिर दो प्रकार के प्रोडक्ट हमको दिखाई देंगे, जो अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आपके साथ। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।